सोनाली बेंद्रे की इस घोषणा ने सभी को चौंका दिया है कि वो हाई ग्रेड कैंसर से जूझ रही हैं। इसी के साथ लोगों में ये जानने की उत्सुकता भी बढ़ गई है कि हाई ग्रेड मेटास्टेटिक कैंसर आखिर होता क्या है और क्या इसका इलाज संभव है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक सोनाली बेंद्रे ने आज जैसे कि बताया कि वो कैंसर से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए विदेश में है, जो कि उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और तमाम फैंस सकते में आ गए हैं। सोनाली बेंद्रे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 4 जुलाई को बताया कि उनको हाई ग्रेड कैंसर है और ये मेटास्टेटिक नेचर का है। इसके बाद सभी उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर सोनाली बेंद्रे को कौन सा कैंसर है और उनको स्वस्थ होने में कितना समय लगेगा। सोनाली बेंद्रे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि शरीर में कुछ दर्द को लगातार महसूस करने के बाद जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। खुद अपनी बीमारी से सोनाली बेंद्रे कितनी हैरान है ये उनको शब्दों से जाहिर होता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब आपको लगता है कि लाइफ में अब सब ठीक है तो जिंदगी आपके सामने शॉकिंग टर्न लेकर आती है। सोनाली बेंद्रे ने बताया कि उनको हाई ग्रेड मेटास्टेटिक कैंसर है। दरअसल जहां शरीर में कैंसर बनता है वहां से सेल्स टूटकर खून या लिम्फ सिस्टम के जरिए बॉडी के अन्य हिस्सों में फैल जाए तो उसे मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। इस तरह के कैंसर सेल्स शरीर के अन्य हिस्सों पर अपनी पहुंच बना लेते हैं और वहां ट्यूमर बनाने लगते हैं, यानी कि कैंसर एक तरीके से पूरे शरीर में फैल जाता है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेटिक्स यानी कि मेटास्टेटिस भी कहते हैं। कैंसर गवर्नमेंट के मुताबिक मेटास्टेटिस आमतौर पर कैंसर के चौथे स्टेज पर पहुंचने पर होता है। मेटास्टेटिस का मतलब ही यही है कि कैंसर इतना बढ़ चुका है कि वो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलकर उनको प्रभावित कर रहा है। वैसे प्राइमरी और मेटास्टेटिक कैंसर को एक ही नेचर का माना जाता है, यानी अगर ब्रेस्ट कैंसर फैलकर फेफड़ों में पहुंचता है तो उसको मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है, ना कि लंग कैंसर। अब सवाल इलाज का, तो मेटास्टेटिस आमतौर पर कैंसर में काफी बढ़ जाने वाला होता है। बताए गए उदाहरण के मुताबिक इसका मतलब हुआ कि ट्रीटमेंट लंग कैंसर का नहीं मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर का होगा, जबकि कैंसर के एक जैसे होने की वजह से डॉक्टर्स को ये पता लगाने में दुविधा हो सकती है कि आखिर कैंसर की शरीर में शुरुआत कहां से हुई है। ऐसे कैंसर को अननोन प्राइमरी ओरिजिन का कैंसर कहा जाता है, जिसे शॉर्ट टर्म में कप भी कहते हैं। बेशक ये सब जानने के बाद हमारी दुआएं सोनाली बेंद्रे के साथ हैं कि उनको कैंसर को हराने में कामयाबी मिले और हमारे बीच वो पहले की तरह अपनी खूबसूरत मुस्कान लिए खड़ी हो सकें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।